हाय राम, इन्ने लोगों के सामने तो नाची। कैसा लगा जी इसका डांस? न ताली न कुछ। हद है, आप लोग बैठे क्यों यहाँ पे? इतने बच्चे को सिखा के यहाँ भेजा है मैंने। बता दो तो बच्ची इतनी देर से नाच रही है, इतने बच्चे नाच गए, ताली बजा दिया करो। हाय बच्चा, कितना अच्छा डांस किया तूने। पर ये क्या पहन के आ गई है? ये कैसे कपड़े पहने तूने बेवकूफ? टांगे दिखाने के लिए नहीं होती हैं, छुपाने के लिए। अब चार लोग बैठे, देखो तो सही कहां। तू मुझे ना सिखा, तेरा गिटार विटार ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में फेल हुआ ना, निकाल दूंगी घर से बाहर। अरे देखो तो सही कहां पे हो यार, चिल्लाने लगी। देख लिया मैंने। सत श्री अकाल जी, मैं स्वीटी आलूवालिया। आपने सुन लिया होगा मेरे बच्चों से, ऐसे ही है, बच्चे बूट पटांग कहते रहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर बच्चों पर पाबंदी ना रखो ना, ये बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। अगर बच्चे लाइफ में कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर पाबंदी रहती है, उन पर हम सख्ती रखते हैं, वरना ये बच्चे तो किसी काम के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओ जी लक्की जी, सही कहा कि नहीं मैंने? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा। आप कभी गलत कह सकते हो क्या कुछ जी? बिल्कुल। हमारे पुत्र को देख लो जी, इसका बस चले तो यह किसी थिएटर या कॉफी शॉप को ही अपना घर बना ले। क्यों, कभी वापस घर नहीं आए? ऐसा कभी नहीं होगा, पैसे लेने तो घर आना ही पड़ेगा ना। ओए चुप कर, पैसे लेने घर आना पड़ेगा बदतमीज। हाँ जी, हंस लो हंस लो, आप लोगों ने भी यही किया होगा घर पे जाके पैसे लेने, सब देखा है। अगर माँ बाप ने सख्ती ना रखी होती ना, तो आज आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते कैमरा और पेन और पेपर लेकर। और जो भी है, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर बच्चों पर पाबंदी ना रखो तो वो बिगड़ जाएंगे, वरना सही अगर परवरिश करनी है तो इन पर पाबंदी रखो, इन्हें समझाओ और कान मरोड़ कर सही रास्ते पर लेकर आओ। ये है हमारी परवरिश, और ऐसी देते हैं हम अपने बच्चों को परवरिश।